जैसे जब हम लोग के बोर्ड एग्जाम्स और एनुअल एग्जाम्स पास आ रहे होते थे तो वो मोहल्ले में ना एकदम लॉकडाउन वाली फीलिंग आती थी। मतलब ना बच्चों के बाहर क्रिकेट खेलने की आवाज़, ना उनके फुटबॉल खेलने की आवाज़, ना उनके चिल्लाने की आवाज़। और मतलब इंसान तो इंसान, वो मोहल्ले के जानवरों को ही पता था, चाहे वो कुत्ते हों, चाहे वो कौवे हों, बंदर हों, मतलब पता था कि देखो यहाँ मोहल्ले में बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, तो शोर नहीं करने का। एक कौवे को गलती से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, वो मेरे घर के बाहर पेड़ है वहाँ बैठ गया। और अमूमन कौवा ना दो बार करता है कांव कांव, उस कौवे ने एक बार किया कांव, और वो कांव की आवाज मेरी मम्मी के कान में पड़ गई। दूसरी बार वो कांव नहीं कर पाया था। सो पेरेंट्स लाइक दे आर वेरी पजेसिव। आप कभी भी देखो वो हर चीज में कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, बट बच्चे के एग्जाम्स में वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। और जब आपका एग्जाम्स आ रहा होगा ना, तब पेरेंट्स आपको बैठा के समझाएंगे, बेटा हाई स्कूल है, बस निकाल लो, एक बार निकाल लो फिर लाइफ सेट है। आप बड़ी मेहनत कर 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 हाई स्कूल निकालते हो, फिर आ जाता है इंटर, फिर पेरेंट्स बैठा लेते हैं, बेटा इंटर इंटर निकाल लो फिर लाइफ एकदम बिंदास। आप इंटर भी निकाल लेते हो, फिर आ जाता है ग्रेजुएशन, पेरेंट्स फिर आते हैं एग्जाम के टाइम, बेटा सिर्फ 3 साल, 3 साल मेहनत कर लो, उसके बाद तो अच्छे से प्लेसमेंट होगा, लाइफ सेट है। मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है, देख लो कॉमेडी कर लो। और एग्जामिनेशन टाइम में अगर किसी की आप सबसे ज्यादा इज्जत करते हो ना, तो अपने क्लास का टॉपर। मतलब उस वक्त ना, मतलब आप बिल्कुल जीजा वाला दर्जा देते हो, मतलब आपके जीजा से कम नहीं होता है वो। अच्छा चीटी को फिर भी नहीं कराता आपको एग्जाम में एक बार। और होता क्या है ना कि जैसे क्या, मैं एग्जाम देने गया, और एग्जाम देने के जो 3 घंटे का अंतराल होता है, 3 घंटे का, तो 3 घंटे से पहले और 3 घंटे के बाद टॉपर आपसे मतलब इस तरीके से मिलेगा कि लाइक हाँ ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं यार, दोस्त हो भाई यार, बिल्कुल बिल्कुल आएगा तो बिल्कुल बताऊंगा भाई, बिल्कुल। और सडनली क्या होता है कि जब ये एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री करते हैं, इनको सांप सूंघ जाता है। मतलब कैन यू इमेजिन कि टॉपर कॉपी को देख रहा है, हम टॉपर को देख रहे हैं, और बिल्कुल वैसे ही देख रहे हैं जैसे कसाई की दुकान के सामने कुत्ता खड़ा होता है। और यार देखो टू बी ऑनेस्ट, चाहे वो टॉपर हो चाहे वो मैं हूं, हम दोनों को ना टाइम की टेंशन रहती है। लाइक टॉपर को ये टेंशन रहती है कि 3 घंटे में पूरा पेपर होगा कैसे, और मुझे इस बात की टेंशन होती है कि मैं 3 घंटे करूंगा क्या एग्जाम में। और यार देखो अगर टॉपर आपके आगे बैठा है ना, तो आपके मन में सिर्फ एक ही डायलॉग चल रहा होता है, पलट पलट पलट। वो बिजी है अपना लिखने में, उसको कोई लेना देना नहीं भैया, वो भूल गया, वो 3 घंटे भूल गया माया मोह। फिर आप उसको ना पिंच करते हो, ये जो शर्ट का ये वाला तिकोना वाला होता है ना, यहां से भाई भाई तीसरे का चौथा, भाई तीसरे का चौथा, भाई तीसरे का चौथा। इसमें ना वो इरिटेट हो जाता है, और उस जानबूझ के इंटेंशनली बोलता है अबे लिखने तो यार। अब टीचर देखता है आपको, आप देखते हो टीचर को, टीचर वो खड़ा करता है, खड़े हो सीट चेंज करो अपनी, वही बैठो। और आप जब सीट चेंज कर रहे होते हो ना, आप सिर्फ एक ही चीज सोच रहे होते हो, या पेपर तो गया भाड़ में, ये मिले मेरे को। और जहां बैठते हो ना, वहां आपके बगल लड़का, वो आपका अलग ही मोरल डाउन कर रहा है, क्योंकि उसको भी पूरा पेपर आता है, और वो हर क्वेश्चन को पढ़ के ऐसे रिएक्ट करता है, मैंने कहा सुन तेरे को पूरा पेपर आता है ना, मेरे को नहीं आता, मेरा मोरल मत डाउन कर। और ये हम लोग ना चीटिंग के लिए अजीब अजीब हथकंडे अपनाते थे, मतलब अब बड़े हुए तो पता चल रहा है कि ये क्या करते थे। एक लड़की, वो पूरी अपनी हैंकी में ऐसे आंसर्स लिख के लेके आई थी, फिर जब पेपर खत्म हुआ तो मैं लड़की से मिला, मैंने कहा इधर आओ, इसको कितना टाइम लगा था लिखने में, तो कही 3 3.5 आवर्स। मैंने कहा 1 घंटा ध्यान से किताब देख लेती ना तो याद हो जाता। और भाई कुछ लोग तो नेक्स्ट लेवल खेलते हैं, उनको चीटिंग से कोई लेना देना नहीं, वो कॉपी में 500 की नोट रखेंगे और लिख देंगे गुरुजी इस बार संभाल लेना मैथ प्लीज यार। लेकिन कहते हैं ना कि यार किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। भाई साहब ने नोट जो लगाई थी ना 500 की, वो एग्जाम पड़ा था 7 नवंबर 2016 को। और अगर आपको एग्जाम में सब कुछ आता है तब तो आप एक स्टूडेंट हो, और अगर कुछ नहीं आता ना तब आप एक सिविल इंजीनियर हो। आप एग्जाम में बैठते हो और कुछ नहीं, सिर्फ ऊपर देख रहे होते हो, ये
दरार कब आई? वाहियात वाहियात सोच आती हैं, विंडो लगी हुई है, विंडो को देख रहे हैं, ये विंडो ना थोड़ा सा ऊपर होता है तो इधर पूरा वेंटिलेशन होता है। वो टॉपर, उसको ये चिंता है कि 3 घंटे में पेपर कैसे खत्म होगा, हम लोग पूरा एनालिसिस कर रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल का बैठ के। और आप एक चीज रियलाइज करना, ये चीज सही भी है, मतलब हम लोग साल भर से उसी क्लास में पढ़ रहे होते हैं, हम लोग कुछ नहीं पता चलता है, जैसे ही वो क्लास एग्जामिनेशन हॉल में कन्वर्ट होगी अजीब अजीब चीजें नजर आती हैं, फिर वो अलमारी में हल्का सा टूटा होगा ना, वो भी बड़ा बारीकी से हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, यार ये कब टूटा था यार। और ये जितने भी कमजोर स्टूडेंट होते हैं ना, इनको पता नहीं क्यों लगता कि भगवान पास कर देगा, मतलब वो कॉपी पे स्केच से बड़ा बड़ा लिखेंगे जय माता दी, ओम नमः शिवाय, ओम साईं राम, मतलब जो भी इसका फेवरेट भगवान है वो चिपका देगा। और ये सारे के सारे फेल होते हैं, और पता है इनको फेल कौन करता है? सरस्वती माता। अरे सरस्वती माता फील्स लाइक कि यार बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हों और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। अच्छा एक दिन तो गजब हो गया, मेरा साइंस का एग्जाम था, और टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं, साइंस मेरी उतनी अच्छी है जितनी हिंदी टीचर की इंग्लिश होती है। तो हुआ क्या, 3 घंटे का टेन्योर होता है तो 3 घंटे भूख वगैरह लग जाती है, तो मैम ने ऑर्डर किया चाय और समोसा, और वो सिर्फ अपने लिए किया, मतलब सर खड़े हैं, आई थिंक प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग उनको भी देना चाहिए, बट आई डोंट नो दैट वाई दीज गर्ल्स आर कंजूस, होती हैं। और वो चाय समोसा जस्ट वो आगे रखा, और आगे उसके बगल में एक लड़का बैठा, अब मैं सोच रहा हूँ कि यार वो साइंस का एक तो एग्जाम, अब वो लिख रहा है, उसके नाक में समोसे की खुशबू भी जा रही है, हमने कहा उसके लिए परीक्षा नहीं अग्नि परीक्षा है ये। मैं तो पीछे बैठा, अच्छा सर सर अलमारी के पास खड़े और वो समोसे को देख रहे हैं, उनके लिए दुविधा, वो बच्चों को देखना कि समोसे को, तो थोड़ा बच्चों को देखें फिर समोसे की तरफ नजर जाए। अब समोसे के डिस्ट्रैक्शन से हटने के लिए ना सर राउंड लगाने लगे ऐसे ऐसे, तो जब जब वो मेरे बगल से गुजर के जाए मुझे कॉपी चेंज करनी पड़ जाती थी। 3 बार ऐसे होगा मुझे गुस्सा आई, मैंने कहा मैम इधर आइए, मैम आई क्या बेटा क्या हुआ, मैंने कहा एक काम करिए ये लीजिए 2 रुपए और सर को पहले जाकर समोसा खिलाइए। तो कहीं क्यों क्या हुआ, मैंने कहा जब जब गुजरते मेरे ट्रू पे लाल टपका देते, वो बार बार फॉल्स हो जाता है। तो मैंने कहा यू शुड हैव सम कर्टेसी यार, आप 2 रुपए का समोसा। और भाई साहब सबसे बोरिंग पेपर ना हिंदी का होता था, आप सोचो कि 50 नंबर का पेपर होता था और मैं सिर्फ 40 नंबर का करता था, वो 10 नंबर निबंध वाले में छोड़ देता था, बड़े अजीब अजीब टाइप के निबंध, गाय पर निबंध लिखो। अब आप सोचो गाय पर निबंध 10 नंबर का, और 10 नंबर का मतलब होता है आपको 3 पेज कम से कम भरने। मैंने मैम कहा मैम इधर आइए, मैंने कहा मैम अगर गाय के साथ भैंस और सांड भी मिला दूं ना तो ये 3 पेज नहीं भरेंगे मेरे से। लेकिन ना कुछ लोग धुरंधर होते हैं लाइफ में, एक बच्चा था उसने पूरा किया, मतलब उसने गाय पे, प्योर गाय पे, प्योर साहिवाल गाय पे उसने निबंध लिखा, 3 पन्ने पूरे पूरे भरे। पता है आपको वो बच्चा आज एक स्टेट का सीएम है।